तो भाई आज हम बात दोस्तों एक बात करें भाई, एक अंडर 14,000 अगर आप 15,000 रुपीज में एक स्मार्टफोन चाहते हैं जो कि बहुत अच्छा हो, एक स्मूथ परफॉर्मेंस देता हो और एक स्ट्रोक एंड्रॉयड, नियर बाय स्ट्रोक एंड्रॉयड, ठीक है, और अपडेट भी आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे और एक ब्रांड जो कि शाओमी या फिर रियलमी से ऊपर हो, तो भाई मैं आपके लिए भाई लेके आया दोस्तों मोटोरोला दोस्तों G40। भाई इसमें दोस्तों एंड्रॉयड 11 मिलेगा, प्योर वर्जन है, नो कुछ ऐड, नो कुछ डाटा लीक, और आपको इसमें एंड्रॉयड 12 मिलेगा और 2-3 अपडेट और मिलेंगे और सिक्योरिटी पैच अपडेट इसमें रेगुलर देखने को मिल जाएंगे, तो ये मोटोरोला का फायदा है। और भाई यहाँ पे दोस्तों भाई आपको एक 1,000 रुपये दोस्तों डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप ICICI का दोस्तों डेबिट कार्ड और वो कार्ड यूज़ करते हैं क्रेडिट या डेबिट, तो आपको 14,000 जगह 13,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको देखने मिलेगा 464 GB बैटरी, 128 GB दोस्तों इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, अब तो मतलब स्टोरेज आते हैं पर 1 TB तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और UFS 2.2 का दोस्तों स्टोरेज का वो है टाइप है, फास्ट है, और LPDDR4X की रैम है, 6000 mAh की बैटरी है पर 20 वोल्ट की चार्जिंग, 20 वोल्ट से थोड़ा और ऊपर हो सकता था यार, चलो कोई नहीं यार, एक ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है। और हाँ, 6.8 इंच का दोस्तों एक बड़ी डिस्प्ले HDR10 के साथ है, एक IPS डिस्प्ले है, 120Hz है, और थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा फ़ोन, डेफिनेटली जो बोलना था वो है यार, जो चीज़ बोली जाएगी वो सच है। 732G, ठीक है, 732x8 nm दोस्तों, और एड्रीनो 618, और GPU इसका अच्छा है और सारी क्लॉक स्पीड भी इसकी ओके है। और मैंने आपको बताया LPDDR4X की रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है, और एक 20 वोल्ट की चार्जिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है, और 64 MP दोस्तों कैमरा है, पर ये कंफर्म नहीं हो पाया अब तक ये सोनी का कैमरा है सैमसंग का, मेरे को लगता है ये सोनी का सेंसर है पर उसमें मेंशन नहीं किया कहीं पे भी। और 13 MP दोस्तों आपको नहीं 60 MP फ्रंट में, और 8 MP वाइड एंगल कैमरा, और 2 MP दोस्तों माइक्रो के लिए। और भाई थिंक शील्ड के नाम से भाई इसमें कुछ सिक्योरिटी है जो कि आपका डाटा सिक्योर रहेगी, तो भाई देखो मोटोरोला पे विश्वास करना इसलिए एक चीज़ बनती है कि यार इसमें हमको सिक्योरिटी देखने को ज़्यादा मिलती है, मतलब डाटा एक एंड्रॉइड सिस्टम जाके कुछ अलग हट के चीज़ करते हैं और कुछ एडवांस फीचर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये फ़ोन मैं मानता हूँ बहुत ओके आपको काम करेगा। हाँ, थोड़े बहुत फीचर्स आपको करने पड़ेंगे पर हाँ यार अच्छा फ़ोन है। और हाँ, थोड़ा बहुत पानी में आपका फ़ोन गिराना मत, थोड़े अगर आप बारिश के आपके छपके लग जाए इसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अच्छा फ़ोन है, आप इसको भाई बिल्कुल प्रेफर करिए। कुछ कैमरा सैंपल देखिए, मैंने आपको बताया 2 MP माइक्रो, और ठीक है 8 MP दोस्तों इसका वो वाइड एंगल कैमरा है, और 64 MP उसका मेन सेंसर, और भाई 60 MP फ्रंट है, मैंने आपको बताया था 2 MP माइक्रो। भाई ये इसके जो रियल शॉट की वीडियो जो कि लोगों ने अपना रिव्यू दिया हुआ खुद के फ़ोन से फोटो अपलोड की गई, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैसी फोटो देखने मिलती है, कुछ ब्रांड ने अपलोड की हुई ऑफिशियल साइट के ऊपर, पर हाँ वो एक्सपर्ट होते हैं, वो कुछ और ही फोटो देखते हैं, नहीं बताया वो इस स्मार्टफोन से ली भी गई हो या नहीं ली गई, क्योंकि पिछली बार बहुत कुछ पास्ट में ऐसा हो चुका है। तो ये तो इसकी रियल फोटो आप यहाँ से जज कर लीजिएगा, वहाँ पे उसकी साइट पे मत देखिएगा। तो भाई मोटोरोला G40 फ्यूजन एक अच्छा स्मार्टफोन है, आप ले सकते हैं 732G, ठीक है, 4G है। अब आप ये मत सोचिएगा मेरे को 1,000 रुपये ऐड करके 5G ले लूँ, अब यार कुछ फ़ायदा नहीं होगा, एक अच्छा स्मार्टफोन मिल रहा है यहाँ पे आपको, और एक मॉडल ऐसा ब्रांड में, और एक देखो नियर बाय जो कि स्टोक एंड्रॉयड होता है, स्टोक एंड्रॉयड है, आप Android 1 प्रोग्राम तो नहीं बोल सकते, पर हाँ कुछ आपको एक्स्ट्रा ग्लिच देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो जो लोग स्टोक पे मतलब शिफ्ट हो चुके हैं ना, मेरे लिए तो भाई मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ भाई, मेरे लिए एक और कोई अदर स्किन पे फिक्स होना ना, जानना वहाँ पे जानना ट्रांसफ़र होना, तो भाई मैं नहीं कर सकता कि रियलमी UI को यूज़ कर लूँ या फिर MI UI को यूज़ कर लूँ। हाँ, ऑक्सीजन OS यूज़ कर सकता हूँ 1+ का, पर मैं ये पुच्चे OS, फनटच OS, ये मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता, मैं आपको साफ बोल देता हूँ। और देखो मोटोरोला से भाई आपको एक अच्छा स्मार्टफोन का ब्रांड मिल रहा है, हाँ लिनोवो के हाथ में है मोटोरोला, पर हाँ यार पर मोटोरोला है, फ़ोन किसको नहीं पता यार, मोटोरोला के ई सीरीज़ आपको याद है, तो ये जी सीरीज भी आपको याद होगी जो कि एक वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन आया था जिसको आप पानी के अंदर डाल सकते हैं कुछ 3 मीटर गहराई तक, तो भाई मोटोरोला ने भोलों को विश्वास जीता है। अब एक 5G चक्कर में आप इस फ़ोन को मिस मत करिएगा, अगर आपको मोटोरोला आप पहले मोटोरोला फ़ोन यूज़ करते थे या फिर आपको मोटोरोला यूज़ करके देखना है तो अभी करके देखिए यार, मोटोरोला देखो ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है लाइफ, फ़ोन की लाइफ ब्रांड के ऊपर डिपेंड करती है, मैं मानता हूँ अगर आप एक रियलमी शाओमी फ़ोन लेंगे ना उसकी जो लाइफ है ना लाइफ टाइम लाइफ पीरियड वो कम होगा, पर इनका मोटोरोला का अच्छा होता है, मैं समझ आता हूँ मोटोरोला सैमसंग या फिर वन प्लस इनके अच्छे अच्छे यार गेमिंग में क्या बुरा है, 64 MP दोस्तों आपको कैमरा मिलता है और क्या बुरा है बताओ, और आपको एक 120Hz की डिस्प्ले है,